गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन निबंध। इससे पहले हमने निबंध का अर्थ, निबंध का स्वरूप पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के निबंध कौन कौन से हैं और इस युग के कौन कौन से निबंधकार हैं और उन्होंने कौन से निबंध लिखे और निबंध लिखने का जो शैली है, विषय हैं, वो कैसा रहा है, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने यहाँ आते आते निबंध साहित्य को चार भागों में बांटा है। पहला है भारतेंदु युग और इसका समय माना है 1873 से 1900 तक। फिर दूसरा युग आता है द्विविध युग और द्विविध युग का समय है 1900 से 1920 तक। फिर आता है शुक्ल युग 1920 से 1940। इसके बाद में आता है शुक्लोत्तर युग और इस शुक्लोत्तर युग का समय है 1940 से आज तक। ये हैं हमारे निबंध के चार भाग यानी चार युग और इन्हीं चारों युगों का अपन आगे अध्ययन करेंगे। आज हम जिस युग को लेंगे वह युग हैं भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग में निबंध किस प्रकार के लिखे गए और इस युग के प्रमुख निबंधकार कौन थे, इन्हीं की अपन यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माने या फिर प्रारंभिक काल माना जा सकता है और सही अर्थों में भारतेंदु जी के निबंध ही हिंदी के प्राथमिक निबंध है। प्रारंभिक निबंध भी भारतेंदु जी के ही निबंध है जिसमें निबंध कला की मूलभूत जो भी विशेषताएं होनी चाहिए वह सभी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का न केवल सूत्रपात ही किया अपितु उन्हें पल्लवित करने का श्रेय भी प्राप्त हुआ है। यानी इन्होंने गद्य में अनेक विधाओं का प्रारंभ भी किया और फिर उस विधा का प्रारंभ करके उस विधा का विकास भी किया, उसको पल्लवित भी किया है। भारतेंदु जी के निबंध विषय एवं शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण हैं, यानी विषय भी विविधता लिए हुए हैं और शैली में भी विविधता है। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन एवं व्यंग्य विनोद जैसे विषयों पर निबंधों की रचना की है। यानी इनके निबंधों की विषय वस्तु जो है वो इतिहास से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है और उस समय की राजनीति से जुड़ी हुई है, यात्रा से जुड़ी हुई है और प्रकृति वर्णन है और इसके साथ में व्यंग्य और विनोद का भी इनमें पुट है। आपने यानी भारतेंदु जी ने सामाजिक निबंधों में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए हैं तो राजनीतिक निबंधों में अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग्य किए हैं। यहाँ पर दो बातें आती हैं, एक तो उस समय समाज में कुरीति फैली हुई थी तो इन्होंने अपने निबंध का विषय सामाजिक कुरीति बनाया और सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्यपूर्ण प्रहार किए। वहीं दूसरी ओर वह समय अंग्रेजों की गुलामी का था तो उस समय की राजनीति यानी अंग्रेजी शासन पर, अंग्रेजी राज्य पर इन्होंने तीखा व्यंग्य किया है। भारतेंदु जी के निबंधों में
विषय अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, जैसा विषय वैसी ही उनकी भाषा शैली है। उनके आलोचनात्मक निबंधों की भाषा प्रौढ़ होते हुए भी दुरूह और बोझिल नहीं हो पाई हैं, यानी इनके आलोचनात्मक निबंधों की भाषा प्रौढ़ है, ज़्यादा व्याकरणिक भाषा है, परिष्कृत भाषा है। अभी कह रहे हैं कि ज़्यादा परिष्कृत होते हुए भी यह भाषा कठिन नहीं बनी है, दुरूह नहीं बनी है और पाठक को बोझ भी नहीं लगती हैं। इनके जो निबंध हैं काश्मीर कुसुम, उदयपुर उदय, कालचक्र, बादशाह, दर्पण आदि निबंधों में उनकी ऐतिहासिक दृष्टि का परिचय मिलता है। ये जो निबंध है काश्मीर कुसुम, उदयपुर उदय, कालचक्र, बादशाह, दर्पण, ये इतिहास विषय पर लिखे गए हैं। फिर लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवें पैगंबर, ये जो निबंध है वह भारतेंदु जी के राजनीतिक विषयों पर और धार्मिक विषय को लेकर के लिखे गए हैं। भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख जो निबंधकार हैं उनमें भारतेंदु जी के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी और प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास आदि का नाम उल्लेखनीय हैं। अब देखिए भारतेंदु के बाद में नाम आता है बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। भट्ट जी के निबंधों में हास्य को बहुत महत्व दिया गया है और इस महत्व का हमें पता उनके इस विचार से लगता है। क्या कहा है उन्होंने कि सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है, यानी यहाँ पर लेख का हास्य को जीवन बताया है। सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है, लेख पढ़कर कुंद कली समान दांत न खिल उठे तो वह लेख ही क्या। क्या कहा है, यदि लेख पढ़ता है पाठक, सुनता है श्रोता, तो उसके दांत जो हैं कंद कली के समान खिल न उठे तो वह लेख ही क्या। तो इसका मतलब यह है कि भट्ट जी ने निबंध में हास्य को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इनके निबंध भावात्मक और विचारात्मक दोनों ही हैं, जैसे चंद्रोदय उनका भावात्मक निबंध है तो मुग्ध माधुरी में विचार और भावना का संतुलन समन्वय दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर मुग्ध माधुरी जो हैं विचारात्मक और भावनात्मक दोनों का समन्वय करके निबंध लिखा गया है। भट्ट जी गंभीर बातों को सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत करने में निपुण थे, कि सरल भाषा में गंभीर बात को वह पेश कर देते थे। विषय की व्यापकता एवं मौलिकता के साथ साथ शैली की रोचकता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। ये थे हमारे भारतेंदु युग के दूसरे निबंधकार बालकृष्ण भट्ट। अब तीसरे आते हैं हमारे निबंधकार इसी युग के प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे और एक ये
युग के प्रतिनिधि निबंधकार थे। किस युग के? भारतनेतु युग के प्रतिनिधि निबंधकारों में से इनकी गिनती की जाती थी। मिश्र जी मनोरंजक एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों को लिखने में अति कुशल थे। कैसे निबंध? मनोरंजक निबंध और व्यंग्य प्रधान निबंधों को लिखने में बड़े निपुण थे, कुशल थे। जैसे भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर इन्होंने विनोदपूर्ण शैली में निबंध लिखे हैं। इनके देखिए जो निबंधों के शीर्षक हैं वह बहुत से निबंधों में हमारे शरीर के अवयवों को ही लिया इन्होंने लिया है, और अवयवों को लेते हुए इन्होंने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखे हैं। तीसरे हमारे भारतेंदु युगीन निबंधकारों में हैं पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमधर। इन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका निकाली थी, और भारतेंदु जी के यह अभिन्न मित्र थे। इन्होंने हिंदी भाषा का विकास, परिपूर्ण प्रयास, उत्साह, आलंबन आदि निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों का नाम है हिंदी भाषा का विकास, फिर दूसरा निबंध है परिपूर्ण प्रयास, तीसरा है उत्साह आलंबन। तो इस प्रकार के इनके निबंध हैं। अगले निबंधकार आते हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभु का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं उनमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया है। यानी भारतीय जनता हैं वो किस प्रकार से अंग्रेजों के आगे विवश थी, इसी चीज़ को इन्होंने इस निबंध में लिखा है। फिर आते हैं राधाचरण गोस्वामी जी। इनके अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से लिखे गए हैं। किस पे? सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए। यमपुर की यात्रा निबंध में वे गोदान पर करारा प्रहार करते हुए लिखते हैं। किस निबंध में? यमपुर की यात्रा। उसमें जो हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर गोदान की जो परंपरा है उसके ऊपर ये प्रहार करते हैं, और बड़ा कठोर लिखते हैं। क्या लिखा इन्होंने कि यदि गऊ की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं, यदि गाय की पूंछ पकड़ने से भवसागर पार हो जाता है तो क्या बैल से नहीं उतर सकते? तो बैल ने क्या बिगाड़ा? बैल से भी तो अपन पार हो सकते हैं, और यदि जब बैल से उतर सकते हैं, इस भवसागर को पार कर सकते हैं, तो कुत्ते ने क्या चोरी की है? तो कुत्ते की भी पूंछ पकड़ करके अपन इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने समाज की कुरीति पर करारा प्रहार किया है अपने निबंध यमपुर की यात्रा में। फिर देखिए हमने यहां पर भारतेंदु युग के जितने भी प्रमुख निबंधकार थे उनका विश्लेषण पढ़ लिया, उनके प्रमुख निबंध पढ़ लिए, और उन्होंने किस प्रकार के निबंध लिखे उनका भी जिक्र अपन ने कर लिया। अब देखिए इतना कुछ पढ़ने के बाद में हम मुख्य किस शीर्षक पर आप पहुँचते हैं उसकी बात करेंगे। अब देखिए संक्षेप में थोड़े शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता एवं विविधता है। दो चीज़ें सामने आई यहाँ पर,
कि भारतेंदु युग के निबंधकारों की विषय विविधता और व्यापकता, कि इनके विषय व्यापक थे और विविधतापूर्ण थे। वे निबंध लेखक होने के साथ साथ में पत्रकार भी थे। देखिए, जितने भी भारतेंदु युग यानी शुक्लोत्तर युग तक अपन आते हैं, भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, तो यहाँ जितने भी निबंधकार हैं वह अक्षरतः सभी पत्रकार हैं। तो ये इस युग के लेखक जो थे वह निबंध लेखक होने के साथ साथ में ये कह रहे हैं कि एक पत्रकार भी हुआ करते थे। उनमें वैयक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता का भी समावेश है। अब पत्रकार होने के नाते व्यक्तिगत बात कहेंगे, लेकिन समाज की बात भी उनको करनी ही पड़ेगी, तो सामाजिकता का भी उनमें समावेश हो गया है। इनकी शैली में हास्य और व्यंग्य और उसके साथ में मनोरंजन की प्रधानता है। हास्य व्यंग्य भी हैं और मनोरंजन भी इनके विषयों में मिल जाते हैं। इन निबंधों का प्रमुख उद्देश्य जो है वह राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना रहा है। अब देखिए, प्रश्न यहाँ ये बनता है कि भारतेंदु युग के निबंधों का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो क्या रहा है? राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीति पर चोट करना। एक तो राजनीतिक विषमता पर चोट करना, उस पर लिखना, और फिर समाज में फैली हुई कुरीति पर लिखना। भारतेंदु युग के निबंधकारों का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। क्या कहते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा? कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। भारतेंदु युग की गद्य शैली के सबसे चमत्कारपूर्ण निदर्शन निबंधों में ही मिलते हैं। क्या बात है इसमें? कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता के क्षेत्र में नहीं। यानी निबंध रचना इनकी श्रेष्ठ है, कविता का क्षेत्र इनका कमजोर है। और न तो कविता में मिली इतनी ख्याति, न ही नाटक लिखने में मिली। फिर ये कह रहे हैं कि भारतेंदु युग की गद्य शैली के सबसे चमत्कारपूर्ण निदर्शन जो हैं वह हमें कहाँ मिलते हैं? निबंधों में ही मिलते हैं। इसी बात ही बाबू गुलाब राय ने भी कहा है, निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन, हृदय उल्लास और चलतेपन के लिए भारतेंदु युग चिर स्मरणीय रहेगा। यानी भारतेंदु युग को हम भूल नहीं सकते हैं। किसके कारण? एक तो निबंध की पृष्ठभूमि में निजीपन, फिर हृदय का उल्लास और चलतेपन के लिए भारतेंदु युग जो है बड़ा ही चिर स्मरणीय रहेगा। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार स्वयं भारतेंदु जी ही माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस भारतेंदु युग के बारे में कुछ चर्चा की और हमने विभिन्न लेखकों के माध्यम से, निबंधकारों के माध्यम से और शैली, उसका विषय, इन सब की चर्चा करते हुए इस भारतेंदु युगीन निबंधों को समेटा है। आपको हमारा यह विवेचन कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल को कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।